बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी है चिकन कढ़ाई की, जो कि मैं आपको बहुत ही मज़े की बनाना सिखाऊंगी अपने अंदाज़ में। और इसमें हम प्याज का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो कढ़ाई होती है उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। जी तो मैंने इसमें एक कप जो है वो ऑयल का ले लिया। इसमें जो ऑयल या घी आप इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। अब मेरे पास जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट है, बीच में दो हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी मैंने कटिंग करके जूलियन जो है वो जिंजर रखी हुई है, हरी मिर्चें भी हैं, दही हैं, टमाटर हैं। सबसे पहले जो है वो मैं ऑयल गरम करके अच्छी तरह से जो है वो चिकन को फ्राई करूँगी और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे हम लोग, ताकि इस पे ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप भी ऐसे कढ़ाई बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अपना फ़ीडबैक जो है वो हमें देते रहा करें कमेंट्स के ज़रिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जो है मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जो है बर वक्त पहुँच सके। तो अब मैं इसको जो है अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इस नमक ऐड कर दूंगी और चिकन को जो है वो नमक के साथ अच्छी तरह से हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और हर इंसान का जो है वो खाना बनाने का और अपना ही अंदाज़ होता है और सबके अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं और सब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और भी YouTube पे काफ़ी लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ और जिनके चैनल्स में जाके सर्च करती हूँ। और ये देखें जी, अब हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब मैं आपको ये उठा के भी दिखा रही हूँ, अभी इसको और हम लोग थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए। और मिट्टी की हांडी का ये फ़ायदा होता है बनाने का कि इसमें काफ़ी देर तक जो है वो खाना गर्म रहता है और पकता रहता है। तो अब मैं इसको जो है वो बोटियों को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह गोल्डन फ्राई करूँगी पहले इसको, और फिर हम लोग जो है वो बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो ये देखें जी, चिकन जो है वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से और 3-4 मिनट के लिए जो है वो भूनेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया है और साथ हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसकी भुनाई जो है वही मेन चीज़ है, हम इसमें पानी नहीं लगाएँगे बिल्कुल भी। और चिकन का जो है और दही के ये पानी में ही गल जाएगा बहुत ज़बरदस्त सा। मेन जो कढ़ाई में आपको चीज़ है वो इसको भुनाई की है जी। आप इसको जितना अच्छा भुनेंगी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो जो टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं उसके मैंने सबके छिलके उतार लिए थे, ताकि वो फिर बुरे लगते हैं मुंह में आते हुए छिलके जो है। और टमाटर आप लोग जो है वो इसके 2 पीस करके भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी आप इसके छिलके उतार सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैंने इस वजह से फिर ऐसे ही बनाया है जी। तो मैंने इसको ढक दिया था, ये देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने इसमें आधा कप ऐड किया था। तो आप लोग अपने हिसाब से जितना आप क्वान्टिटी में चिकन लेंगे उसी हिसाब से आप इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो भुनेंगे। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये अपने टमाटर और दही के पानी से ही गल जाएगा बहुत ज़बरदस्त सा। और चिकन जो है उसको इतना पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो मिनटों में ही गल जाता है जी। तो अब इसमें मैंने ड्राई मसाला ऐड कर दिया था, जिसमें लाल मिर्च थी, सूखा धनिया था पाउडर और हल्दी थी, और साथ इसमें ज़ीरे का पाउडर था, जो कि मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो भून लिया था अच्छे तरीके से और फिर मैंने उसको पीसा था। अब आप हमारी कढ़ाई का जो है वो कलर चेक करें, ज़बरदस्त सब बहुत ही मज़े का लाजवाब। आप भी ज़रूर बनाएं और ज़रूर शेयर किया करें ऐसी रेसिपीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हों आपके हाथ से और आपकी फैमिली में भी लोग पसंद करते हों। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें ज़रा कि क्या ज़बरदस्त सी ग्रेवी है। तो एक छोटी इलायची भी मैंने इसमें पीस कर जो है वो डाली थी, तो वो मुझे ड्राई मसाले के साथ ही, तो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है इस वजह से मैं डालती हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड करूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करूँगी, ताकि उनका भी टेस्ट इसमें आ जाए। बाकी जो है वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे जी। तो देखें मैंने इसको इतना भुना है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और अब आप इसकी ग्रेवी भी चेक करें ज़रा कि क्या ज़बरदस्त है। और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, आपने देखा होगा पूरी वीडियो में।
तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा जी। तो हमारी कढ़ाई जो है वो बनकर रेडी हो गई है। मैं इसको एक दो सेकंड के लिए और इसको मज़ीद भून लूँगी और मिट्टी की हांडी जो है उसमें और रेडी ही चीज़ जो है वो गर्म रहती है, काफ़ी देर तक पकती रहती है जी। तो मैंने फ्लेम इसका इस टाइम ऑफ़ कर दिया था और अब मैं इसको ढककर बनाऊँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।